वेलकम बैक टू अवर चैनल दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली मामा। गब्बर इज बैक। देख रहे हैं दोस्तों, लास्ट में सॉन्ग था, बहुत ही मज़े वाला गाना था और ये इंजॉय कर रहा है, कोई खौफ नहीं इसको। देखते हैं अब क्या होता है। बड़ा पब्लिक बुला लिए, सब इसका चेहरा पहन के आ गए हैं, तो प्ले करें। सूरज चांद रहेगा, पाटिल तेरा नाम नहीं रहेगा। हमारी आंखों के सामने से उठा के लेके चला गया। सावंत, सब किसी न किसी को तो पता होगा उसका हाइड आउट। पता करो उनसे। सर, व्हाट? क्या है? आई एम द काउंसिल रिप्रेजेंटिंग द अरेस्टेड गवर्नमेंट ऑफिसर। सो वी हैव परमिशन मेरे क्लाइंट से मिलने के लिए, और उनके रिश्तेदार भी मेरे साथ हैं। सर, मैंने सारे पेपर्स चेक कर लिए। कैन वी गो सी देम नाउ? ऐसे इनोसेंट लोगों को अरेस्ट करके बहुत बड़ा काम किया है आपने। व्हाट? इनोसेंट? इनोसेंट बाय फॉट सीरियल ऑफेंडर्स है सबके सब। गब्बर के साथ मिलके मर्डर्स किए हैं, ऑल ऑफ देम इनोसेंट। एंड आई नो गब्बर हैज कैप्ट दिग्विजय पाटिल एंड इज गोना किल हिम। ब्लडी क्रिमिनल्स। पाटिल भी वो गरीबों को मारता है, उसके लिए तो बड़ा एहसास है। एसीपी चंद्रकांत की वाइफ। आपके पति को गब्बर ने मारा है, मैं इकलौती हस्बैंड इस बार। इसको बताइए कि हमें बता दे कि वो कहाँ छुप सकता है, कौन कौन से ठिकाने हैं। आपके पति और इसके बाप की मौत की जिम्मेदारी आप पर होगी। गोविंद, अगर तुमने इन्हें कुछ भी बताया तो समझ लेना तुम्हारी माँ भी मर गई। मैं? आप एक पुलिस वाले की बीवी हो के क्रिमिनल के साथ रही? माँ भी अच्छी है। I don't get this. Why? Who is this Gabbar? Why is a criminal getting so much affection? क्योंकि कानून अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। Sorry? The police needs to arrest the corrupt government officials and then the courts need to punish them. अगर कानून से कुछ नहीं हो रहा है तो किसी को तो कुछ करना पड़ेगा ना? ये सही बात। तो तुम्हें लगता है जो गब्बर कर रहा है कानून सही? Sir, सोसाइटी क्रिमिनल्स के कुछ करने से बर्बाद नहीं होती,
सोसाइटी तबाह होती है एक कैपेबल आदमी के कुछ ना करने से. गब्बर इज अ गुड मैन. गब्बर इज कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग फॉर अस. तुम जानते हो इस गब्बर? मैं उस वजह को जानती हूँ जिससे एक आम आदमी गब्बर बना है. मशाल जलाने के बाद सबसे ज्यादा अंधेरा कहाँ रहता है? कहाँ पटेल? ढक्कन मशाल के नीचे रहता है. पुलिस सब जगह शोर मचा रही है लेकिन तेरे घर की घंटी नहीं बजा रही. तू मुझसे बदला लेगा. आई एम दिग्विजय पाटिल. आई एम अ ब्लडी ब्रांड. मेरे ब्रांड रन करता रहता तो हमेशा. ध्यान से देख मेरी तरफ दिग्विजय पाटिल. तुझसे बड़ा ब्रांड हूं मैं. तू? हाँ मैं. 50-50 कोस दूर जब कोई रिश्वत लेता है तो सब कहते हैं मत ले वरना गब्बर आ जाएगा. गब्बर आ जाएगा. तू गब्बर? हाँ गब्बर. पांच साल पहले तूने मुझे दो चांस दिए थे. आज मैं तुझे तीन चांस देता हूं. जिसको फोन करना है कर और उनको बता कि तू क्या है. तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि तू सबसे बड़ा ब्रांड है या मैं. कर फोन. हेलो वाघमारे. हाँ बोल रहा. मैं दिग्विजय पाटिल. मैं बड़ी मुश्किल में हुआ मारे. गब्बर ने मुझे किडनैप कर लिया है. अरे यार तुम क्यों मरवा रहे हो मुझे? कहीं गब्बर को पता चला तो अपने तो पारा के भाव लग जाएंगे. मैंने तुम्हें होम मिनिस्टर बनाया. मुझे मेरे ही घर में पकड़ रखा है. मेरी जान खतरे में है. हेलो हेलो. दूसरी कोशिश. कमिश्नर्स ऑफिस, मैं दिग्विजय पाटिल बोल रहा हूँ. गब्बर ने मुझे मेरे ही घर में छुपा रखा है. क्या ये पुलिस स्टेशन है? नहीं, ये पुलिस स्टेशन है. मैं वही बोल रहा हूँ. ये पुलिस स्टेशन है ना? मैं भी तो वही बोल रहा हूँ. ये पुलिस स्टेशन है, पिज्जा स्टेशन नहीं है. क्या हुआ? सर किसी पागल आदमी का फोन है. पुलिस स्टेशन फोन करके पिज्जा ऑर्डर कर रहा है. वाह यार गुलाटी. सुन लो, ये पुलिस स्टेशन. हेलो हेलो. गब्बर इज अ बिगर ब्रांड देन यू. मैं इन नामर्दों की वजह से दिग्विजय पाटिल नहीं बना. दिग्विजय पाटिल एक आदमी नहीं, एक ब्रांड है. आराम खाया है. Come on.
तुम मरता नहीं है कुछ करने सुअर का गोश्त खाया होता है जरा भी अभी तो किसी ने कुछ नहीं हो रहा है ब्रेंड को मार दिया यार, क्या मारा है, इस तरह पटका बॉल की तरह भाई उछला, वो भी कमीना मर, मतलब इतना मार रहा था पर कमी नहीं की बोलती बंद नहीं हो रही थी, मैं ब्रेंड हूँ ब्रेंड हाँ सर ही नहीं हो रहा था, इतना मारा वो पाइप मुंह पे मारा फिर भी लास्ट में सॉरी बोला यार, किसी की भी नस्कार लो तो वो मर जाएगा तड़प तड़प के, ये तो कुछ भी नहीं मुंह से डांगों से हाथों से खून निकल रहा है पूरा भाई छील कर दिया, तो लड़ रहा है मजबूत है टाइप का बंदा है भाई, वो हराम बहुत खाया है ना गरीबों का खून चूसा है ना इसी हरामी ने, तो उसकी सजा आज मिली उसको भाई एकदम फिनिश कर दिया, बोला था मैं द ब्रेंड, अब क्या ब्रेंड कहाँ है ब्रेंड, हाँ भाई ब्रेंड खत्म कर दिया, और जिस तरह भाई हमारे गब्बर ने बोला ना मैं ब्रेंड हूँ भाई तुमसे बड़ा ब्रेंड हूँ, और चांस भी दिया जैसे उसको पहले दिया था चांस, बोला कर जिसको फोन कर रहा है एक टकलू हरामी बोलता है मुझे ना गब्बर पकड़ ले जा भाई नहीं करता, और गुलाटी को भी फोन आया, गुलाटी भी यार आज उसने भी अच्छा काम किया, वरना हम समझे वो खतरनाक गुलाटी पकड़वा देगा भाई, पर उसने भी देखो किस तरह भाई पलटी मार दे यार, मजा आ गया आज यार गब्बर का इस तरह साथ दे रहे ना सारे लोग, डर रहे हैं उसे खुशी मिल रही है हमें, मजा आ गया क्या पार्ट था इसको मारा ना सुकून मिल गया हमें, सही बात है भाई हमारा भी दिल खुश हो गया भाई, इस कमीने को जब भी जो भी दुश्मन होता है ना लोगों का उसको मार पड़ती है तो हमें अच्छा लगता है, नहीं तो हम नहीं अच्छा लगेगा, बाकी मजा आ गया गब्बर का जब ब्रेंड ब्रेंड गब्बर बोल रहा था ना वो अलग ही तड़का था भाई, मजा आ गया, और ये भी कमीना चुप नहीं हो रहा था मैं ब्रेंड हूँ पाटिल पाटिल ब्रेंड हूँ भाई साहब, इसकी भी क्या धुलाई की, इसको भी मौका दिया भाई तू दो चांस देता है हम तुझको तीन देते, पर क्या खौफ फैल गया है गब्बर का यार, मजा आ गया, और भाई इसने जो पुलिस वाले ना इसने भी दिल जीत लिया भाई, वो भी जानबूझ के कह रहा ये पुलिस स्टेशन नहीं है भाई, उसको भी उल्लू बना दिया, मजा आ गया आज यार गब्बर ने तो इस ब्रांड को निपटा डाला भाई, मजा आ गया था, सजा अच्छी नहीं थी फिर यार उस इसको बिल्डिंग से फेंकता दो तीन मरतबा, ये बड़ा ब्रांड था ना इसको निचोड़ देता, बाकी मजा आ रहा है यार कमाल हो गया गब्बर की है ना लाजवाब एंट्री थी, हम भी वो उसका तो बाबा सजा का है ना अनोखा है, वो कीड़े ऊपर से छोड़ देते सो सवा तो खून चूस लेता, हम भी भाई खतरनाक बड़ा गुंडा है भाई, भाई हम भी जो सामने नहीं देखा वो भी यमराज को चिट्ठी भेजता है वो ऊपर से मैसेज आता है तो भाई इसको बिजवा कातिया ये पांच हरामी और ठाकुर साहब ये है ना पांच मिल जाते तो कॉम्बो हो जाता, और छठी यास्मीन को इसके हवाले कर देता सबसे किंग, वो चूसती है ना भाई मजा आ जाता है भाई, आज तक हमने ऐसे विलन नहीं देखे भाई, दिल खुश करता, बिजवा है ना पूरा डंडा लेकर आता चूसता है कातिया भाई, वो बोलता है मैं कुत्ता बनाने का शौकीन हूँ म्यूजिक करता है, ठाकुर साहब नचवाने में मायर है, और सजा जो देता है ना भाई वो हरावी, बाकी जो अम्बी की सजा है ना भाई सबसे आगे वो जो फ्राई करता है ना भाई वो नाम भी लेता है वो अपने इनको पता ही नहीं मामू, और लिंगेश्वर है ना भाई वो लिंगेश्वर की भी सजा है ना वो भी अलग है भाई भयानक बना रहता है राक्षस हो जाते हैं बंदे भाई, एक एक मोटे को सजा दी ना भाई, होंठ इतने इतने बड़े भाई पांव इतने सूजे हुए थे, आज इसको भी ऐसा ब्रेंड को भी सजा देता ना गब्बर मजा आ जाता ओह माय गॉड यार गब्बर ने जो इस ब्रेंड को जो सजा दी ना, जो क्या बोलते हैं इसका नाम यार बिग पाटिल बोल रहा था बार बार चिल्ला रहा था कि मैं इज अ बिग पाटिल, यार बिग पाटिल है क्या, लोगों को बता रहा है कि बिग पाटिल मैं हूँ, ये तो कुछ भी नहीं हुआ ना फिर तो
इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा नाम, और लोगों को बोल रहा है कि बिग पाटिल में हूँ, ये जो है मुझे बात सही नहीं है। और दूसरी बात, ये जो गब्बर भाई ने इसे सजा दी, यार ये कम सजा दी, इस कुत्ते को अपने घर में नहीं मारता, इसको रोड पे लेके जाता, घसीटता और चौराहे पे लेके जाता, इसको टांगता, लोगों को दिखाता कि ये देखो बुरे को कैसे सजा मिल रही है, इन्होंने गरीबों को मारा, गरीबों का खून चूसा, और बिल्डरों को मारा था, वो क्या बोला, इसका काम जो लोग नहीं कर रहे थे, जो लोग इनसे रिश्वत नहीं ले रहे थे उनको ये मार रहा था, ये उन्हें दिखाता गब्बर कि देखो अब इस कुत्ते को मैं कैसे मार रहा हूँ, इसको सजा कैसे दे रहा हूँ, वो अच्छा होता। लेकिन उसी ने तो वो पुलिस से छुप कर इसको मार रहा था, तो वो सही बात है, लेकिन जो है ना ये पुलिस के सामने इसे सजा देता, पुलिस भी देखती, जो करप्ट थे, जो भी लोग पुलिस में करप्ट थे देख रहे, वो भी देखते कि नहीं भाई जो भी गलत काम करेगा वो पुलिस वाला हो, कोई बिल्डर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई भी शख्स हो, जो गलत करेगा उसे गलत करने की सजा मिलेगी जरूर। जो गब्बर ने उसे सजा दी, अब तो वो ब्रेंड बोल रहा था कि बिग पाटिल मैं ब्रेंड हूँ, ब्रेंड का तो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन बिग पाटिल का तो भूसा ही निकल गया दो चार लापड़ों में, और उसका तो खून भी यार बहुत बहा, फिर भी वो जो है ना लड़ रहा था गब्बर से, यार ये बड़ी बात है। हाँ ना, वो तो उसे टॉर्चर करता, बिजली की शार्ट देता, उसे जो है ना तड़पा तड़पा के मारता, उसे पता तो चलता ना कि मैंने लोगों को कितना लोगों के ऊपर जुल्म किए, सितम किए, अभी जो है मेरे ऊपर क्या हो रहा है, मैं भी तो देखूं ना खुद को, जब इतनी सजा मिले तो ये इनके लिए कम सजा थी, इसे और भी इनकी सजा जो है ना ज्यादा होती, फिर हमें जो है ना मजा आता, इसी ने बहुत जो है ना कम सजा दी। और देखो ना इसके गुलाम, मिनिस्टर भी गुलाम इसके, वो एक टकलू था टिश्माई, वो भी उसे बोल रहा है, जब गब्बर का जो है ना उसे डर खौफ हो गया तो वो भी बोल रहा है कि पाटिल कौन है, क्या है पाटिल, मैं नहीं पहचानता हूँ पाटिल को, पहले तो उसकी गुलामी कर रहे थे। यार ये बड़ी बात है।